एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मेरे साथ है मेरी कजिन। हाय, इट्स देवांशी। सो जैसे कि मैं अपने लिए खुद के आउटफिट अपने डिज़ाइन करती हूँ, सो मैंने सोचा कि किसी और के लिए करते हैं, तो मैं इसके लिए डिज़ाइन करूँगी आउटफिट। सो मेरे पास है, ये फैब्रिक है मेरे पास, इट इज़ अ सिंथेटिक फैब्रिक। एंड इनको क्या चाहिए बताएंगे आपको? कौन सा मेरे को चाहिए? पफ स्लीव विथ स्क्वायर नेक। सो ये बोल दिया इसने एंड मैंने इसका अभी मेजरमेंट लिया है। तो आउटफिट्स बनाने के लिए मुझे तो कम से कम आई थिंक 15 दिन लगेंगे, तो तब तक के लिए दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ इसका आउटफिट पफ स्लीव्स एंड स्क्वायर नेक। सो लेट अस बिगिन। तो मैंने उसकी मेजरमेंट ले लिए है एंड मैंने सारे पैटर्न्स बना भी दिए एंड उसको बस कट कर रही हूँ। एंड क्योंकि मैं टॉप उसके लिए फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो फिर मैं ट्राई करी कि मैं बहुत सिंपल करूँ एंड कुछ डिफिकल्ट ट्राई ना करूँ। तो ये है लाइनिंग का कपड़ा एंड मैंने इस टॉप के साथ इसको जॉइन भी कर दिया है। अब बस मुझे स्लीव को अटैच करना है। तो ये है मेरे पास इलास्टिक वाला थ्रेड एंड इसी से मैं पफ स्लीव बनाऊंगी। तो इसलिए इलास्टिक वाले थ्रेड में होते हैं कि हमें इसको हैंड से घुमाना पड़ता है। तो पफ स्लीव्स को स्टिच करने के लिए दो तरीके होते हैं। यहाँ मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ, दैट इज़ इलास्टिक स्टिच एंड सेकेंड इज़ द गैदर स्टिच। मुझे फर्स्ट वाला ईजी लगता है, सो आई एम यूजिंग दिस वन। सो स्लीव को अटैच करने के लिए पहले मैंने स्लीव का सेंटर पॉइंट ले लिया एंड देन आई विल जॉइन फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू द राइट साइड ऑफ द एंड पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट टू द एंड पॉइंट। सैम्पल बना दिया है पफ स्लीव्स का एंड ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड बिल्कुल सेम टू सेम वही आया है जो मुझे चाहिए था। द फुलनेस, द लेंथ एंड उसकी स्टिच भी बहुत अच्छी है एंड जब ये अटैच होगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो ये बन गई है मेरी टॉप एंड अभी मैं इसको पूरा नहीं दिखा रही, जब वो पहनेगी तब देख लेना। सो अभी का मैं स्टेटस बता देती हूँ क्या हुआ है। मैंने भिजवा दी है देवांशी के घर वो टॉप एंड वो जो टॉप है वो थोड़े दिन बाद पहनेगी क्योंकि वो अभी कहीं गई है। सो जब वो आएगी तब उससे मैं जूम मीटिंग करूँगी कि उसको कैसी लगी एंड उसके एक्सप्रेशन मुझे देखना है, मुझे उसका देखना है कि क्या बोलती है, रिव्यू क्या है उस टॉप का एंड येस ये सब चीज़ें। फैक्ट ये है कि देवांशी मेरे घर आई थी जनवरी को एंड मैंने ड्रेस या टॉप बनानी शुरू की थी मिड ऑफ फेब को, कंप्लीट हुई एंड ऑफ फेब को एंड अभी मैं भेज रही हूँ एंड ऑफ जून को। सो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, तो अभी तब देखते हैं आपका रिएक्शन क्या होता है। चलो ठीक, आप सही आ रही है। तो पहले बता देखो कैसी लगी ड्रेस? अच्छी लगी बहुत, ये वाला तो बेस्ट पार्ट है, ये ड्रेस ऐसे कर रहा है। देखो लूज फिट पसंद है कि टाइट फिट? सही है मेरे ख्याल से तो। और ये पिंक वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला पिंक वाला, वरना पूरा ब्लू ब्लू ज्यादा थोड़ा अलग सा लगता, थोड़ा पिंक अच्छा लग रहा है। पहले यार के लिए तो बहुत अच्छा है, मैं तो सपने में नहीं सोच सकती मैं कुछ ऐसा बनाऊं। यही था इसका छोटा सा रिव्यू एंड रिएक्शन एंड आउटर आज मैं नहीं वो करेगी। Alright, so that's it for the video. Hope you enjoyed. You know the drill, like, share, subscribe. Hopefully you will see me more on this channel. Till then, toodles.